अतः बच्चों बहुत तुम क्लास टीचर अनिल सर इस क्लास एट बेटा सब्जेक्ट चु मैथमेटिक्स बेटा आसमान प्रोसेस आज सम एप्लीकेशंस पेज नंबर चु 25 ये लिखे सम एप्लीकेशंस गोड़ आसमान ची क्वेश्चन आ सम ऑफ टू नंबर्स इज 74 दबा जो नंबर ची तू हूँ सम चु 74 वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर यूस दूम नंबर चु सू चु बेक नंबर खत 10 टाइम्स मोर यानी कि 10 गुण यानी प्लस 10 कर दत व्हाट आर द नंबर्स इसलिए नंबर कम कम आ इस पजल मतलब ओड दित ओड चुन दित कि इक पट करो इस क्या छ ना सम ऑफ टू नंबर दो नंबर हम सम छ को 74 वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर आख नंबर छ बिग खतन 10 टाइम्स मोर यानी कि 10 गुण व्हाट आर द नंबर नंबर्स क्या छ इक पट करो इस नमो लेखो इस सॉल्यूशन लेट चूंकि इस लीनियर इक्वेशन करा इसलिए तीन हिसाब से इक्वेशन बनावा लेट वन नंबर लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स इस मनो आ क्या छ एक्स दो नंबर क्या सो यम खत 10 टाइम्स ज्यादा यम खत 10 गुण ज्यादा देयरफॉर अदर नंबर देयरफॉर अदर अदर नंबर क्या गो तिल सो गो एक्स प्लस 10 यपर वन कि इन दोन सम इन जो नंबर अख नंबर द्रा एक्स ब्या एक्स प्लस 10 इन दोन सम का बराबर 74 सम ऑफ नंबर्स सम ऑफ टू नंबर्स सम ऑफ टू नंबर्स का बराबर 74 इसलिए करो वे मतलब क्या गो ठीक फ्राम द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वन फ्राम द क्वेश्चन या फ्राम द कंडीशन हेको लिखित क्वेश्चन लेखोस क्वेश्चन लेखोस या कंडीशन लेखोस कंडीशन वन क्वेश्चन वन कि जो नंबर इम जो नंबर इम यानी एक्स तो एक्स प्लस 10 ये इन दोन सम करो सही बराबर 74 तम क्या गो यह गो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 74 ये एक्स 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 कस पे दि फिर दोनों प्लस इम कैसे गए जे एक्स यह एक्स यह एक्स गो जे एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 74 अगर तुम याद आज 2.1 मे क्वेश्चन कर ये द्राव तमी हिसाब द्रावा वो क्या करो वो करो ट्रांसपोज 10 ऑन राइट हैंड साइड ट्रांसपोजिंग टी आर ए एन एस पी ओ एस आई एन जी ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड वी गेट गो टू एक्स रूज जाए बन जाए इज इक्वल टू बन जाए 74 बन जाए 10 इस प्लस उस इतरी और क्या बनिए माइनस इट इम्प्लाइज टू एक्स को बराबर 74 में करो 10 तब क्या बचा 64 चलो ठीक वन क्या एक्स सत एक्सट्रा टू वो करो टू डिवाइड बो साइड ये टू करो डिवाइड दोनों साइडों तेल गए ये टू कैंसल लिखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड्स वी गेट लिखो टू एक्स डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई टू ये देखो टू वन जार अगर बचा सिर्फ एक्स इज इक्वल ये देखो 74 कर टू से डिवाइड या कटिंग करोस या डिवाइड करोस सो डिवाइड करोस टू थ्री जार सिक्स ये क्या बस फोर टू टू जार फोर गो ये कटिंग करो तथा देर 32 डिवाइड कर द्रा 32 गो एक्स क्या एक्स वन नंबर अदर नंबर क्या एक्स प्लस 10 गो वन नंबर द्राव अस एक्स देयर फोर वन नंबर उस एक्स उस द्रामुत उस द्राव बराबर 32 देयर फोर अदर नंबर अदर नंबर का बराबर एक्स प्लस 10 एक्स का वैल्यू 32 प्लस 10 32 प्लस 10 क्या गो 42 ठीक
गो अस जो नंबर तम अगर सम करो स नर 70 फॉर एग्जाम्पल वो ये द्रा जो नंबर कस 32 टू 42 कर तम एड जो कत गई चोर चा ठीक दोये त्रे तो दोये त्रे जो गई चोर चौ त्रे गई सत द्रवा सोन आंसर क्या तथा उस लिख के दो नंबर सम का बराबर 74 गो तम जो नंबर कम कम 32 तो 34 इत बेटा ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल 5 व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 ये ट्वाइस करो यानी टू टाइम्स इंटू करो इत आंसर नेर तथ क्या करो एड तथ क्या करो एड ताकि अस मिल गए आंसर मिल 3/7 उस किप करो इस क्वेश्चन अस लिखित कि अस करो 7-7/3 ट्वाइस करो तमिक तथ क्या करो पत एड सो गन 3/7 अस लिखो ट्वाइस ऑफ 7/3 ट्वाइस टी डब्ल्यू आई सी ट्वाइस गो दगन टू टाइम्स ट्वाइस ट्वाइस द रैशनल नंबर ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 सुबह बराबर 2 इंटू -7/ करो गोड मल्टीप्लाई आंसर क्या नेर अस टू ग मल्टीप्लाई 7 सत चूंकि माइनस प्लस गो माइनस 2 7 गो 14 डिवाइड बाई 3 वन वो 14/3 अस क्या करो एड तथ नेर आंसर गए नेर मे 3/7 चा ठीक अस पते कि अस क्या करो ठीक अत मज कर सपोज क्या कर सपोज गो अस पानी नवान कह नमो लेट या सपोज लेट एक्स बी एडिड टू एक्स से करो एड कत -40/3 टू गेट ताकि एस मिल आंसर 3/7 ठीक यानी एक्स करो एड ताकि आंसर नियर 3/7 तो -4/3 क्या यह दोगन 7/3 -7/3 ट्वाइस से ठीक गो इट इम्प्लाइज तो मतलब क्या गो लिखो वे इक्वेशन मज लिंड इक्वेशन गो एक्स प्लस -14/3 इज इक्वल टू 3/7 सो ठीक ये गो इट इम्प्लाइज लिखो एक्स प्लस माइनस गो -14/3 इज इक्वल टू 3/7 चलो ठीक वो क्या करो इस करो ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या करो 14/3 क्या कि मे ग सिर्फ एक्स वैल्यू नियर एक्स ये सिंगल रोज सो रोज सिंगल ये कर ट्रांसपोज गो लिखो ट्रांसपोजिंग 14/3 टू राइट हैंड साइड वी गेट कैसे गो एक्स बन जाए इज इक्वल बन जाए 3/7 बन जाए ये 14/3 उस माइनस क्या बन और ये होता तो बन प्लस को 14/3 चल ठीक ये क्वेश्चन ये के करो सॉल्व वही या करो गर्स एलसीएम गो इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल एलसीएम क्या नियर एलसीएम नियर ये मतलब मल्टीप्लाई चल ठीक 7 × 3 पत क्या गए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज गस मल्टीप्लाई 3 इज सेट सब ठीक पत प्लस ये रोज प्लस 14 गए मल्टीप्लाई कत सत 7 सत सब ठीक ये गो गोबरिया गो 3 × 3 = 9 प्लस 14 × 7 4 × 7 क्या गो 14 × 7 टेबल ये से याद है सो है असल पट कर 7 × 4 = 28 8 कैरी है 7 × 1 = 7 7 × 2 कत गए 14 गो 148 डिवाइड बाई 7 × 3 = क्या गो 21 गो 148 कैश करना एड 9 गो 9 तोड़ गए 17 कैरिया 1 चौथ गए 5 तो अख गो 150 कैसे गई दत मल्टीप्लाई गो गलत करो वार 7 × 4 = गो 28 8 कैरिया 7 × 2 = 9 ओहो 98 क्या ये बेटा 98 कैसे गो 9 प्लस 98 डिवाइड बाय 21 अच्छा वन 98 क्या कौन प्लस 9 गो 9 तक गए 17 कैरिया 1 9 तक गए 10 अख सत गो ये द्रा टू आंसर
یوان دون ہند پلس کردرا آنسر اس اکھت ست ڈیوائیڈ بائی اکو مطلب گو یم ساتن یکم ویلو درو ادرا ایکس ویلو مطلب گو یم سات اس 107/21 یہ 127 لکھو ایت پت کرو ایڈ اس در آنسر 3/7 چس ٹھیک گو 10 10 گو ایکس کو ویلو 10 107/21 should be added twice the rational number minus 7 by 3 to get 3/7. So, but I'm putting back example 6. Sixth example question. The perimeter of a rectangle is 13 centimeter. A rectangle should the perimeter, yani ki sum of sides should 13, and its width is 2 whole number 3 by 4. Which means width. Find its length. H means length. Kadi. So, but this mano yasa cha soon kya rectangle. Rectangle is a perimeter. Yani this side plus this side plus this side plus this is equal to 13. بیجت بریڈت یعنی کہ کھجت دیو چھس 2 3 by 4 کات گو برا یہ ون بتے ون اچھو ایمیش لنگت کڑے اس اس کیا کرو کون اس لکھو لیٹ لنگت آف ریکٹینگل آر ای سی ٹی اے این جل سمانو یہ سچ ایکس کیا چھ ایکس breadth dit breadth of a rectangle breadth of a rectangle so kach barabar dit 2 whole number 3 by 4 kya go barabar is ko sa kam ya so go barabar isn 4 to 2 na inch pani multiply kasa yani 2 into ko sa 4 3 ke sath add divide by 4 ko 4 to 8 प्लस 3/4 8 प्लस 3 का 11/4 जैसे ठीक गो रेक्टेंगल ब्रेड क्या दराए ब्रेड्थ वनोस या विड्थ को खजर ब्रेड ते को खजर ऑफ रेक्टेंगल ठीक से सुतरा 11/4 अच्छा अच्छा पेरीमीटर पी ई आर आई एम ई टी आर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल पेरीमीटर कष्ट बराबर दे सुजित और त्रवास चासी त्रवास सेंटीमीटर बट मगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मगर रेक्टेंगल पेरीमीटर असन बराबर ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेडथ सो ठीक सो गो इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ का बराबर एक्स गो एक्स प्लस विड्थ 2/3 सो कदर बराबर 11/4 सो ठीक थो ब्रेक्स में ठीक है बेटा गो यूतान गो सोन क्वेश्चन ओके गो किताब पेच दित क्वेश्चन मन चुन क्वेश्चन बोल चुन कि पेरिमीटर से बराबर रेक्टेंगल 13 मगर फार्मूला हिसाब द्वारा रेक्टेंगल पेरिमीटर याद बराबर तेम ल क्या गो यम ज गसन पानी असन बराबर के जी पेरिमीटर याद पेरिमीटर बराबर इतना फार्मूला फार्मूला इजन चु फार्मूला पेरिमीटर सु गसन पेरिमीटर इज दित मुत तात बराबर ये करो याद बराबर तेम पत ने रे सुन लेंगत क्या छ गो इट इंप्लाइज ये मतलब गो है गो ट्वाइस एक्स प्लस 11/4 या सो गो बराबर का 13 13 चना या एक्स फाल तो गो 13 से करो डिवाइड बोथ साइड्स सो ठीक डिवाइडिंग
both sides by 2 we get ونکین چھ اس بریکس مس ٹرم چھ اخ ٹرم ما مان کیش نہ بریکس مسن 2 چھ الگ اس الگ 2 کس پٹ ختم یل اس ڈیوائیڈ کرو کیا 2 چھ کیا ملٹی پلائس مسن لکھو 2 x plus 11 by 4 divided by 2 is equal to 13 by 2 ये 2 ones are अत क्या बचा अत बचा मैं x plus 11 by 4 को बराबर 13 by 2 वन कर 11 4 transpose on right hand side go transposing 11 by 4 to right hand side we get लिखो यस गो इट इंप्लाइज इवन x इज इक्वल टू 13 बाय 2 माइनस 11 बाय 4 13 बाय 2 माइनस 11 बाय 4 अच्छा ये कैसे गो इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये मान अगर एलसीएम करो चूंकि इजी 2 इंटू 4 पद गैस 13 इज मल्टीप्लाई 4 तो माइनस 11 इज गैस 2 ठीक है सर बेटा ये कैसे गो इट इंप्लाइज एक्स को बराबर 13 4 जार गो 52 माइनस 11 2 जार गो 22 डिवाइड बाय 4 2 जार गो 8 ठीक है सर बेटा ये मतलब गो एक्स गो बराबर दुवंजा नेल वासन जुतो गो 2 माइनस 2 को 0, 5 माइनस 2 को 3, को 30 बाय 8, 30 बाय 8 बचा बस, गो x दरा 30 बाय 8, मगर 30 बाय 8 तो नहीं यहाँ कुछ भी थोड़ा करे आखर सा सॉल्व करो इतना सुनिश्चित हो गया क्या मगर यह क्वेश्चन गो x दरा 30 बाय 8 चूंकि 30 से गैस मल डिवाइड तीन नंबर से 2 से गैस 8 से गैस यानी कि 2 से को 2 4 जार 8 2 1 जार 2 ये बचा आख सो को 0 से को 2 5 जार 10 गो x तरह बराबर 15 बाय 4 15 बाय 4 15 बाय 4 देयर फोर लेकोस इज देयर फोर लेंथ देयर फोर लेंथ ऑफ rectangle therefore length of a rectangle ko barabar 15 by 4 centimeter theek hai sir shabash beta aaj se maglem gadis zutre example 5 ye pad baki karo is next class mein bhi khuda solve kare mehnat